तो आज हम फर्स्ट यूनिट का फोर्थ सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच और डिपेंडेंसी अप्रोच। इस टॉपिक के अंदर हम दो अप्रोचेस की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच क्या होती है, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच के ऊपर अलग अलग इंटरप्रिटेशंस क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि डिपेंडेंसी अप्रोच क्या होती है, जो एजी फ्रैंक के द्वारा दी गई है। तो दोनों को हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच से। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच की। जब मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच की बात करता हूं, तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच जो है वो दो शब्दों से मिलकर बनी है, पॉलिटिकल और इकोनॉमी। तो इस अप्रोच में हम मेनली देखते हैं कि ये जो दो शब्द है, पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम, ये किस तरह से एक दूसरे से इंटररिलेटेड है। इसमें कहा जाता है कि ये इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन है किसकी, पॉलिटिक्स की। पॉलिटिकल साइंस के अंदर इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन जब आती है, उसको हम पॉलिटिकल इकोनॉमी बोलते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर आता है एनी माइनर आर मेजर चेंज इन इकोनॉमिक सिस्टम आर इकोनॉमिक कंडीशंस लीड्स टू कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन पॉलिटिकल सिस्टम। मतलब अगर एक छोटी सी चेंज भी होती है ना इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, तो उसकी वजह से पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर भी चेंज होती है। तो ये जो मैंने दो चीज़ें यहाँ पे पढ़ी, इनके कहने का सार यही है कि इकोनॉमी और पॉलिटिक्स जो है वो इंटररिलेटेड हैं। अब ये कैसे इंटररिलेटेड हैं, अगर आप एक देश की बात करें, एक कंट्री की बात करें, क्या वहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम बिना पॉलिटिक्स के चल सकता है? क्योंकि हमारे देश की जितनी भी अर्थव्यवस्था होती है, जितनी भी इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं, उन सबको हमारे देश की पॉलिटिक्स गवर्न करती है। हमारे देश की पॉलिटिक्स डिसाइड करती है कि हमारे देश के अंदर बजट किस तरह से लॉन्च किया जाएगा, हमारे देश की इकोनॉमी किस तरीके से रहेगी, हमारा फॉरेक्स रिजर्व कहाँ पर रहेगा, वहाँ हमारे यहाँ करेंसी किस तरह से काम करेगी, बैंक्स किस तरह से काम करेंगे। साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच के अंदर इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन देते हैं पॉलिटिक्स को। और साथ ही साथ जैसे हमने बात की कि अगर इकोनॉमी के अंदर एक माइनर या मेजर चेंज आती है, एक छोटी या बड़ी चेंज आ जाती है, तो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो जाता है। कैसे? मान लो एक देश में जो है इकोनॉमी डिक्लाइन हो गई, तो वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम भी तो हिल जाएगा, वहाँ पे भी तो चेंजेस आ जाएंगी। मान लो एक देश का फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो गया, हमारे पास पैसे ही नहीं बचे हैं बाहर वाले देशों के साथ ट्रेड करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो गया हमारा, तो हमारे देश की पॉलिटिकल सिस्टम में चेंजेस आएंगी, उनकी पॉलिसीज में चेंजेस आएंगी, राइट? उसको टैकल डाउन करने की कोशिश वो करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच को इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन दी है। अब जो हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच है, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हम देखते हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच के ऊपर लिबरल पर्सपेक्टिव का क्या कहना है, और उसके बाद हम देखेंगे कि मार्क्सियन पर्सपेक्टिव का क्या कहना है। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच को हम दो तरीके से इसकी इंटरप्रिटेशन देखते हैं, इसके हम दो पर्सपेक्टिव देखते हैं, एक हम देखते हैं लिबरल पर्सपेक्टिव, एक हम देखते हैं मार्क्सियन पर्सपेक्टिव। तो जैसा कि हमने पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच के अंदर दो पर्सपेक्टिव देखे थे, एक था लिबरल पर्सपेक्टिव और एक था मार्क्सियन पर्सपेक्टिव, इसके अंदर हम सबसे पहले लिबरल पर्सपेक्टिव को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि लिबरल्स का इसके बारे में क्या कहना है। तो जब मैं लिबरल पर्सपेक्टिव की बात करता हूँ, उसके अंदर कुछ थिंकर्स आते हैं जो लिबरल पर्सपेक्टिव का समर्थन करते हैं, जो लिबरल पर्सपेक्टिव को देते हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ लिबरल पर्सपेक्टिव के जो एक्सपोनेंट हैं। इसके अंदर एडम स्मिथ आते हैं, रिकार्डो आते हैं, जेम्स मिल आते हैं, और उन्हीं के बेटे जेएस मिल भी आते हैं। तो जब हम लिबरल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? लिबरल्स का ये कहना है कि पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा। तो इसके अंदर लिबरल्स विश्वास रखते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। वो कहते हैं कि इकोनॉमिक स्फीयर के अंदर या जो इंसान की लाइफ है, उसके अंदर फ्रीडम मिलनी चाहिए इंडिविजुअल को, उसकी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी जो है वो इंटरकनेक्टेड है। ये कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो गवर्नमेंट है, उसको इंडिविजुअल को अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम देनी चाहिए, खुली छूट दे देनी चाहिए, फ्रीडम देनी चाहिए उसके इकोनॉमिक स्फीयर्स के अंदर। इकोनॉमिक स्फीयर्स के अंदर का मतलब हो गया कि वो क्या पैदा कर रहा है, वो किस तरह से ट्रेड कर रहा है, वो क्या एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ कर रहा है, क्या बिजनेस कर रहा है, उसके ऊपर स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर कहा जाता है स्टेट टू नॉट इंटरफेयर इन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड फ्रीडम। वही बात है, इंसान की जो व्यक्तिगत लिबर्टी है, स्टेट को उसके ऊपर भी, उसके बीच भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सरकार को या फिर स्टेट को जो इंसान अपनी लाइफ जी रहा है, उसके बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर ये कहते हैं अनहिंडर्ड फ्रीडम गिवन टू इंडिविजुअल,
अगर हम एक इंडिविजुअल को अनहिंडर्ड फ्रीडम देंगे, मतलब कि अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम देंगे, खुली फ्रीडम देंगे, आज़ादी देंगे, तो ये पूरे सोसाइटी का जो है भला होगा, पूरे समाज के अंदर एक कॉमन इंटरेस्ट के हित में होगा। उसके बाद ये लेसेज फेयर की पॉलिसी की बात करते हैं। लेसेज फेयर का मतलब क्या हुआ कि स्टेट का बड़ा मिनिमल रोल है या फिर स्टेट का कोई रोल नहीं है इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर। और उसके बाद ये कहते हैं मिनिमल रोल इन सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ्स ऑफ पीपल, मतलब कि लोगों की जो सामाजिक लाइफ है, जो मेरी सोशल लाइफ है, उसके बाद मेरी जो इकोनॉमिक लाइफ है, उसके बाद जो मेरी कल्चरल लाइफ है, इसके बीच भी स्टेट को जो है इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो इसमें ये मेन यही बात करते हैं कि पॉलिटिकल और इकोनॉमी जो है इंटररिलेटेड फील्ड है, इकोनॉमिक अफेयर्स जो है इंडिविजुअल के, उसके बीच जो है सरकार को स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जैसे कि इंटरफेरेंस क्या होती है, जैसे कि हमारे देश में लोगों के ऊपर टैक्सेस लगाए जाते हैं, आपको लाइसेंस की जरूरत होती है अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो, देश भर में अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं जिनको आपको फॉलो करना है। तो बेसिकली इनका यही कहना है कि आपको जो है लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर जो है इंटरफेयर नहीं करना है, लोगों को फ्रीडम देनी है, लिबर्टी देनी है, और इससे पूरे समाज का भला होगा। ये कैपिटलिस्ट सिस्टम को भी सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं ये एक लिबरल पर्सपेक्टिव था किसका, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच का। उसके बाद हम इसके अंदर देखेंगे मार्क्सियन पर्सपेक्टिव, मतलब कि जो मार्क्सवादी लोग हैं उनका इसके बारे में क्या कहना है। तो जब हम मार्क्सियन पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, इसके अंदर हमें कुछ थिंकर्स देखने को मिलते हैं जो इस चीज का समर्थन करते हैं, मार्क्सियन पर्सपेक्टिव को देते हैं, जिसके अंदर कार्ल मार्क्स आते हैं जो कि बहुत बड़े फिलोसोफर रहे हैं, उसके बाद एंगल्स आते हैं जो कि मार्क्सिस्ट थे, और लेनिन आते हैं जो कि बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे हैं जो खुद मार्क्सिस्ट थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो तीन थिंकर्स इसके अंदर आते हैं ये मार्क्सियन पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। जब मैं कार्ल मार्क्स के पर्सपेक्टिव की या फिर मार्क्सियन पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ तो उनका क्या कहना है। तो मार्क्सवादी लोग हैं ना, वो कहते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है और इकोनॉमी है ये आपस में जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम को हम बिना इकोनॉमी को जाने हुए समझ ही नहीं सकते। वो कहते हैं कि इकोनॉमी इज द बेस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ओब्लिक सोसाइटी, कि सोसाइटी का और पॉलिटिकल सिस्टम का इकोनॉमी एक बेस है, और जब इकोनॉमी बेस है तो पॉलिटिकल सिस्टम को हम बिना बेस के नहीं समझ सकते, इकोनॉमी को हमें समझना होगा। मार्क्सवादी लोग कहते हैं, मार्क्सियन पर्सपेक्टिव के लोग ये कहते हैं कि जो हिस्ट्री है पूरी हिस्ट्री के बीच एक क्लास स्ट्रगल रही है। कहते हैं कि अगर हम हिस्ट्री में जाए ना पीछे तो वहां पे हमें एक लड़ाई देखने को मिली पूरी हिस्ट्री में, हर वक्त ये लड़ाई थी। वो लड़ाई किसके बीच थी, अमीरों के बीच और गरीबों के बीच। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि आप एंशियंट टाइम्स में चले जाइए, वहाँ पे जो है किंग होता था, किंग के जो है फ्यूडल्स होते थे, गवर्नर्स होते थे या फिर नोबल्स होते थे जो कि गरीबों को एक्सप्लॉइट करते थे, जो कि गरीबों का शोषण करते थे। उसके बाद वो मेडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं, वो कहते हैं मेडिवल हिस्ट्री के अंदर भी एक जगह जमींदार थे और एक जगह किसान थे, गरीब थे, स्लेव्स थे। तो इसी तरह से जमींदार जो है उनका शोषण करते थे। वो कहते हैं अभी की बात देख लीजिए, अब एक तो अमीर तबका है, अब हम अगर अपने समाज की बात करें तो यहाँ पे तो 10% लोग जो है पूरी दुनिया की 90% वेल्थ को जो है कवर करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, और जो 90% पॉपुलेशन है वो 10% वेल्थ को ऑक्यूपाई करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो आज के समय में अमीर लोग हैं वो भी तो गरीबों का शोषण कर रहे हैं। तो इसी तरह से वो मार्क्सियन लोग कहते हैं कि मतलब कि हमेशा अमीरों ने गरीबों को जो है वो उनका शोषण किया है, उनको प्रताड़ित किया है। एक तो हैब्स थे जिनके पास कुछ था, जो पैसे वाले लोग हैं जिनके पास लैंड थी, और एक थे हैब्स नॉट जिनके पास कुछ नहीं था। तो जिनके पास कुछ नहीं था उनका जो है रिच ने क्या किया, शोषण किया। उसके बाद वो बात करते हैं स्टेट एंड इट्स ऑर्गन्स रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ रिच एंड डोमिनेंट क्लास। वो कहते हैं कि जो स्टेट है ना हमारी, जो गवर्नमेंट है हमारी, ये डोमिनेंट क्लास की, ये रिच क्लास की, या जो हैब्स हैं इनका रिप्रेजेंटेटिव है। मतलब कि स्टेट सिर्फ अमीरों के लिए काम करती है, स्टेट जो है अमीरों के कर्जे माफ कर देगी, अमीरों को बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी, अमीरों के बिजनेस को बढ़ाएगी। स्टेट अमीरों के हाथ में कठपुतली की तरह बन गई है। तो इसमें स्टेट जो है सिर्फ अमीरों के लिए काम करती है, स्टेट जो है गरीब आदमी का कोई ख्याल नहीं रखती, स्टेट जो है गरीब आदमी का शोषण करती है रिच के साथ मिलके। तो इसीलिए वो कहते हैं कि हमें एक ऐसा समाज चाहिए जहाँ पे कोई स्टेट हो ही नहीं, यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर हो ही नहीं, जहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशंस हो ही नहीं, वहाँ पे कोई तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, इंडिविजुअल जो है एक ऐसे तरीके से रहे जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जुडिशरी नहीं है, एग्जीक्यूटिव नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस तरह से वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो स्टेटलेस सोसाइटी है जिसका वो सपना देखते हैं वो कैसे आएगी। तो वो कहते हैं कि जो गरीब है ना, जिसका शोषण हो रहा है, जिसको प्रताड़ित किया जा रहा है,
जब वो अपनी एक्सप्लॉयटेशन को रियलाइज कर देगा, जब उसको पता चल जाएगा कि उसकी एक्सप्लॉयटेशन बेसिकली कर कौन रहा है, जैसे जो हमारे देश के अंदर या समाज के अंदर गरीब तबका होता है ना, उनको पता नहीं होता कि उनकी एक्सप्लॉयटेशन कौन कर रहा है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमें कुछ आता नहीं है, हम इसी के लायक हैं, हमें भगवान ने यही करने के लिए भेजा है, तो वो चेन्स में बंधे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनकी एक्सप्लॉयटेशन कौन कर रहा है। और जिस दिन गरीबों को पता चल जाएगा कि उनकी एक्सप्लॉयटेशन कौन कर रहा है, उस दिन गरीब जो है वायलेंट प्रोटेस्ट करेंगे उन लोगों के खिलाफ जो उनकी एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो वो वायलेंट प्रोटेस्ट जो होगा ना, वो गरीब करेंगे, वो तबका करेगा जिसको प्रताड़ित किया होगा, जिनकी एक्सप्लॉयटेशन हुई होगी, किसके खिलाफ करेंगे? अमीरों के खिलाफ करेंगे, कैपिटलिस्ट के खिलाफ करेंगे, सरकार के खिलाफ करेंगे, और इन सबको हटा देंगे, सारी वेल्थ को अपने कब्जे में लेंगे, उस वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और एक ऐसा समाज होगा जहां पे कोई स्टेट नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, हर कोई अपने हिसाब से काम करता है, अपनी क्षमता के हिसाब से काम करता है, और उसको उतना मिल जाता है जितना उसको चाहिए। ये फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान मजदूरी का काम करता है या टीचिंग का काम करता है, हर किसी को इक्वली इक्वल समझा जाएगा। एक ऐसी सोसाइटी होगी जहां पे हर कोई हंसी खुशी के साथ रहेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मार्क्सियन पर्सपेक्टिव आता है किसका? पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच का। उसके बाद हम बात करते हैं डिपेंडेंसी अप्रोच की। वो डिपेंडेंसी अप्रोच जो कि एजी फ्रैंक के द्वारा दी गई है, या फिर हम एजी फ्रैंक के कंसेप्ट पढ़ेंगे डिपेंडेंसी अप्रोच के ऊपर। तो जब मैं डिपेंडेंसी अप्रोच की बात करता हूं, डिपेंडेंसी अप्रोच का क्या मतलब है? इसके अंदर एक शब्द है डिपेंडेंसी, तो इसका मतलब एजी फ्रैंक जो है वो एक तरह की निर्भरता की बात कर रहे हैं, डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी की डिपेंडेंसी किसी के ऊपर है, कोई किसी के ऊपर डिपेंड है। तो हम इसको आगे लेके जाते हैं, देखते हैं। It is based on the presumption that imperialism and capitalism are the root causes of dependency and underdevelopment of Asian, African and Latin American countries, all countries. इसमें ये कहा जाता है कि जो एशियन, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है ना, जो हमारी दुनिया के अंदर एशिया के, लैटिन अमेरिका के और अफ्रीका के देश हैं, जो कि गरीब देश हैं, जो कि अंडर डेवलप्ड देश हैं, उनका गरीब होने के पीछे कारण क्या है, उनके अंडर डेवलपमेंट के पीछे कारण क्या है, वो है कैपिटलिज्म या फिर इंपेरियलिज्म। कैपिटलिज्म और इंपेरियलिज्म क्या होता है? जो हमारी दुनिया में अमीर देश है ना, जैसे अमेरिका, जैसे यूरोप के कुछ देश, जो कैपिटलिस्ट देश है, जो पूरे दुनिया की इकोनॉमी को जो है कंट्रोल करके रखते हैं, पूरी दुनिया की वेल्थ जिनके पास है, बड़े बड़े अमीर आदमी जैसे इलॉन मस्क, जैसे बिल गेट्स, जैसे मुकेश अंबानी, इन लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ गया है। और जो इंपेरियलिस्ट कंट्रीज हैं, जैसे कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने पूरी दुनिया की अलग अलग कंट्रीज के ऊपर कंट्रोल करके रखा हुआ है, वही कंट्रीज हैं जो कि आला कंट्रीज की अंडर डेवलपमेंट का कारण है, जो कि एशियन, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की अंडर डेवलपमेंट का कारण है। इसके अंदर ये कहा गया है कि जो वेस्टर्न या फिर जो रिच कंट्रीज है ना, वो एक्सप्लॉइट करती हैं पुअर कंट्रीज को, वो शोषण करती हैं पुअर कंट्रीज का। कैसे? जैसे कि कैसे, जो गरीब देश है ना, वहां पे लेबर बड़ी सस्ती मिलती है, वहां पे रॉ मटेरियल बड़ा सस्ता मिलेगा, वहां से वो लेबर भी लेंगे, चीप लेबर, चीप रॉ मटेरियल भी लेंगे, और उसको अपने देश में लेके मैन्युफैक्चर करेंगे, उन चीजों को बनाएंगे और वापस उसी देश में बेच देंगे जहां से वो कच्चा माल लिया था, और जो रेट होगा ना वो 20, 30, 40 गुना ज्यादा होगा। तो इस तरह से वो पैसे को वहां से निकाल रहे हैं, गरीब देशों को और गरीब बना रहे हैं। तो वो इस डिपेंडेंसी अप्रोच में बात की गई है। इसके अंदर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको सेंटर कहा गया है। उनको क्या कहा गया है? सेंटर। एक कंसेप्ट दिया गया है कि डेवलप्ड कंट्रीज को हम सेंटर कहेंगे और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको पेरिफेरीज कहा गया है। क्या कहा गया है? पेरिफेरीज। तो उन्होंने कहा कि जो पेरिफेरीज के कंट्रीज के अंदर अंडर डेवलपमेंट है ना, वो किसका कारण है? वो सेंटर का कारण है, वो डेवलप्ड कंट्रीज का कारण है। तो वो एक सेंटर और पेरिफेरीज एनालिसिस देते हैं, मतलब कि डेवलप्ड कंट्रीज के बीच और अनडेवलप्ड कंट्रीज के बीच एक डिपेंडेंसी है, उस डिपेंडेंसी का वो एनालिसिस देते हैं। वो कहते हैं कि गरीब देश गरीब क्यों है, अमीर देश अमीर क्यों है, और दोनों के बीच रिलेशनशिप क्या है, वो डिपेंडेंसी अप्रोच के अंदर बात की जाती है। तो ये था डिपेंडेंसी अप्रोच का एक बैकग्राउंड। अब हम देखेंगे कि एजी फ्रैंक का क्या कहना है डिपेंडेंसी अप्रोच के ऊपर। हम डिपेंडेंसी अप्रोच के अंदर एजी फ्रैंक के व्यूज की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि एजी फ्रैंक डिपेंडेंसी अप्रोच के अंदर क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो एजी फ्रैंक है वो सेंटर और पेरिफेरी एनालिसिस देते हैं, वो डेवलप कंट्रीज के बीच और अंडर डेवलप कंट्रीज के बीच एक एनालिसिस देते हैं। वो बताते हैं कि दोनों के बीच डिपेंडेंसी क्यों है, अमीर देश अमीर क्यों है और गरीब देश गरीब क्यों है, आला कंट्रीज गरीब क्यों है। उसके बाद वो एक टर्म यूज करते हैं मेट्रोपोलिस डेवलप कंट्रीज के लिए। पहले डेवलप्ड कंट्रीज के लिए कौन सी टर्म यूज की गई थी? सेंटर। लेकिन अब वो एक और टर्म यूज करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज के लिए और वो है मेट्रोपोलिस। और
अंडरडेवलप्ड कंट्रीज के लिए सैटेलाइट से एक टर्म यूज करते हैं, वो कहते हैं कि ये कंट्रीज जो है वो सैटेलाइट कंट्रीज हैं। और पहले अंडरडेवलप्ड कंट्रीज के लिए कौन सी टर्म यूज की गई थी? पेरिफेरी। तो वो कहते हैं कि जो अमीर देश है उनको हम मेट्रोपोलिस कंट्रीज कहेंगे और बाकी जो गरीब देश है उनको हम सैटेलाइट कंट्रीज कहेंगे। हम आला कंट्रीज को जो है वो सैटेलाइट कंट्रीज कहेंगे, जो एशियन अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन नेशंस हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि जो मेट्रोपोलिस हैं वो सैटेलाइट्स को एक्सप्लॉइट करती हैं। मैंने आपको बताया कैसे एक्सप्लॉइट करती हैं, जो है सैटेलाइट कंट्रीज जो है अंडरडेवलप्ड कंट्रीज जो है वहाँ पे चीप लेबर मिलती है, वहाँ पे रॉ मटेरियल मिल जाता है चीप, वहाँ से वो लेके अपने देश में मैन्युफैक्चर करते हैं और वहीं से मैन्युफैक्चर गुड्स वापस उनके देश में बेचते हैं जहाँ से चीप लेबर और रॉ मटेरियल लिया हो, और दुगने मतलब कि 10-20 टाइम ज़्यादा प्राइसेस के ऊपर उसको बेचते हैं, जिसकी वजह से वो डिपेंड हो जाते हैं गरीब देश अमीर देशों के ऊपर। किसके लिए? मैन्युफैक्चर गुड्स के लिए। उसके बाद वो कहता है कि वो एक तरह के विशियस साइकिल में फंस जाते हैं, जो गरीब देश है वो एक माया जाल में फंस जाते हैं। उनको जो है लोन लेना पड़ता है कहां से? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। जब डिपेंडेंसी हो जाएगी ये गरीब देश की अमीर देश के ऊपर बहुत ज्यादा, और उसके बाद उस अगर गरीब देश को अगर कोई लोन चाहिए, अगर पैसे चाहिए, तो वो कहाँ जाएगा? वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाएगा, वो IMF के पास जाएगा, वो वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा। IMF और वर्ल्ड बैंक किसके हैं? अमीर देशों के हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक को कौन रेगुलेट करता है? अमीर देश करते हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक जो है वो अमीर देशों के हाथ के अंदर है दोनों इंस्ट्रूमेंट। तो वो जब लोन्स के लिए जाते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक के पास, तो अमीर देश क्या करते हैं, कुछ कंडीशंस रख देते हैं इन गरीब देशों के सामने कि तुम्हें भाई ये करना होगा, तुम्हें ट्रेड को जो है फ्री करना होगा, तुम्हें अपने देश में MNCs को इस्टेब्लिश करने की परमिशन देनी होगी, मल्टीनेशनल कंपनीज को जो बाहर से डेवलप्ड नेशंस की कंपनीज होती हैं उनको गरीब देशों के अंदर इस्टेब्लिश करने की परमिशंस देनी होगी, और उसी के साथ साथ तुम्हें TNCs को इस्टेब्लिश करने की परमिशन देनी होगी, तुम्हें अपने देश में ये करना होगा, तुम्हें वो करना होगा। इस तरह की कंडीशंस रख देते हैं ये IMF और वर्ल्ड बैंक लोन देते वक्त किसको? गरीब देशों को। और गरीब देशों को बेचारों को पैसे चाहिए, उनको वो कंडीशंस माननी पड़ती हैं, और जब वो कंडीशन मान लेते हैं तो एक और ट्रैप में फंस जाते हैं, और उस तरह से जो अमीर देश है वो गरीब देशों को अपने हाथ में पकड़ लेते हैं और उसके बाद उनकी एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे अमीर देश और अमीर बनते जाते हैं, गरीब देश और गरीब बनते जाते हैं। तो वो एक एनालिसिस देते हैं, कौन? AG फ्रैंक। किसका? अमीर देशों का और गरीब देशों का। वो बताते हैं कि डिपेंडेंसी क्यों है और डिपेंडेंसी से क्या होता है। उसके बाद हम AG फ्रैंक की कुछ रिकमेंडेशंस को पढ़ेंगे। AG फ्रैंक कुछ रिकमेंडेशंस देते हैं कि अगर आपको ये जो सिस्टम है, ये जो डिपेंडेंसी वाला सिस्टम है, ये जो गरीब देशों की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, इससे बाहर निकलना है, तो कुछ वो रिकमेंडेशंस दे रहे हैं। उनकी क्या रिकमेंडेशंस हैं? सबसे पहले वो बात करते हैं, इवल एंड इंपीरियलिज्म एंड न्यू इंपीरियलिज्म शुड बी टैकल्ड। मतलब कि जो इंपेरियलिज्म है, जो एक तरीका है कंट्रीज का दूसरी कंट्री के ऊपर कब्जा करने का। इंपेरियलिज्म का मतलब क्या होता है? इंपेरियलिज्म का मतलब होता है एक देश अलग अलग देशों को कैप्चर कर लेता है, उनकी टेरिटरीज को कैप्चर कर लेता है और वहाँ पे उनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करता है, पॉलिटिकली अपने कंट्रोल में ले देता है। जैसे कि एंशियंट टाइम्स में या पुराने जमाने में राजा जो थे वो अलग अलग एरियाज को जो है कैप्चर कर लेते थे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज के ज़माने में कहाँ इंपेरियलिज्म है, कौन कैप्चर कर रहा है किसी को, हर देश जो है वो इंडिपेंडेंट है, हर एक कंट्री इंडिपेंडेंट है। लेकिन आज एक नया न्यू इंपेरियलिज्म है। न्यू इंपेरियलिज्म का क्या मतलब है? डायरेक्टली कंट्रीज तो कंट्रोल नहीं कर रही दूसरी कंट्रीज को, लेकिन जैसे हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक सिस्टम जो है ना वो हैंडफुल कंट्रीज के हाथ में है, और गरीब देश को जो है एक्सप्लॉइट किया जा रहा है अलग अलग तरीकों से, जैसे ये जो हमने देखे थे इंस्टीट्यूशन IMF वर्ल्ड बैंक, जैसे अमीर देश किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं गरीब देशों को अलग अलग तरीके से, कैपिटलिस्ट तरीके से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक नया तरीके का इंपेरियलिज्म स्टार्ट हो गया है, एक नए तरीके से एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो रही है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गई है देशों की। तो वो कहते हैं कि इसको हमें टैकल करना होगा। उसके बाद वो बात करते हैं, एक्सप्लॉयटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ मेट्रोपोलिस सैटेलाइट्स मस्ट बी ओवरथ्रोन। वो कहते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, जो एक्सप्लॉयटेशन का स्ट्रक्चर बना हुआ है कि अमीर देश गरीब देशों को जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, इसको हमें फेंकना होगा, ओवरथ्रो करना होगा। और वो कहते हैं कि एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आएगा ग्रेजुअल वे में, आस्ता आस्ता एक ऐसा रेवोल्यूशन आएगा, एक ऐसा रेवोल्यूशन लाना होगा जो कि समाज के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सभी को इक्वालिटी की नज़र से देखेगा, वहाँ पे इकोनॉमिक इक्वालिटी होगी, कुछ देश ज़्यादा अमीर और कुछ देश कम गरीब नहीं होंगे, सभी देश एक बराबर होंगे। और उस रेवोल्यूशन की वो बात करते हैं, वो कहते हैं ये रेवोल्यूशन जो है ग्रेजुअल वे में आता है। जैसे हमने मार्क्स को पढ़ा, मार्क्स ने कहा कि एक रेवोल्यूशन आएगा, वायलेंट रेवोल्यूशन होगा, हम उखाड़ फेंकेंगे सभी को और एक स्टेटलेस सोसाइटी इस्टेब्लिश की जाएगी। लेकिन वो एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन की बात करते हैं और कहते हैं वायलेंट रेवोल्यूशन नहीं होगा,
एक सोशली रेवोल्यूशन ही होगा, लेकिन वो आस्ता आस्ता होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डिपेंडेंसी अप्रोच क्या है। तो इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ लिया, हमने सबसे पहले पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच पढ़ी, हमने पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच के अंदर लिबरल और मार्क्सियन इंटरप्रिटेशन पढ़ी पॉलिटिकल इकोनॉमी की। उसके बाद हमने दूसरी अप्रोच पढ़ी जो कि डिपेंडेंसी अप्रोच थी, और उसके ऊपर हमने एजी फ्रैंक के व्यूज पढ़े। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपके साथ सेकंड यूनिट में। और साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक आप सबको धन्यवाद, नमस्कार।